मंचली न्यूज 22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। झांसी में गौ सेवा समिति प्रेमनगर के तत्वावधान में नगरा हाट के मैदान में गौ माता को हरी घास खिलाकर उनकी सेवा की गई। आज की गई गौ सेवा में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा के भाई रजनीश शर्मा, पंडित दिलीप पांडे सहित समिति के सदस्यों ने गौ माता को हरी घास खिलाकर उनकी सेवा की। गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी ने कहा कि समिति ने संकल्प लिया है कि वह भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा का समर्थन करेगी और उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नगरा हाट के मैदान में सब्जी विक्रेताओं को पीने के पानी की व्यवस्था तथा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा द्वारा किया गया है। जनता उन्हें विधायक बनाने का मन बना चुकी है। वहीं समिति के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि शर्मा को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगरा हाट के मैदान में जनसंपर्क भी किया। भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा के भाई रजनीश शर्मा के नेतृत्व में पंडित दिलीप पांडे सहित कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करते हुए भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को भारी मतों से जिताने के लिए वोट मांगे। इस दौरान रजनीश शर्मा ने कहा कि झांसी पूरी तरह से चमक रही है, चौराहे और पार्कों को चमकाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं, नौजवानों, माताओं, बहनों का सम्मान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। इस दौरान पंडित शिवराम स्वरूप चतुर्वेदी, अध्यक्ष गौ सेवा समिति पंडित रविकांत मिश्रा, पुजारी नरेश मिश्रा, ठेकेदार संदीप साहू, राहुल साहू, सत्येंद्र तिवारी, अमित पांडे, राजकुमार रामकुमार ज्ञानी, चंद्रमोहन तिवारी, विश्वनाथ मिश्रा, कांशीराम, भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल सहगल, आकाश द्विवेदी, बल्ली अग्रवाल आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। नगरा हाट के प्रांगण में यहाँ पे गौ सेवा समिति के सदस्यों के साथ आज मैं बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि यहाँ नगरा हाट के वासियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने और यहाँ गौ रक्षा समिति के सदस्यों ने, हमारे छोटे भाई दिलीप पांडे जी ने और हमारे सियासन चतुर्वेदी जी ने, आप भी आइए, सब लोगों ने मिल के जो गौ रक्षा के लिए प्रण लिया है, जो गौ सेवा के लिए प्रण लिया है, उसके लिए मैं बहुत ही सुख की अनुभूति कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि ईश्वर भी ऊपर से देख रहे हैं कि इन सब के लिए, हम सब के लिए, मुझे लगता है कि प्रगति और उन्नति का रास्ता, विकास की एक धारा, मुझे लगता है गौ सेवा के द्वारा भी एक रास्ता हमें मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गौ रक्षा करते हैं, अगर आप गौ सेवा करते हैं तो आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं यहाँ नगरा हाट में जो जिस तरीके से आप लोगों ने आयोजन किया है, बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से प्रेरणा लेके पूरी झांसी में जहाँ जहाँ भी गौ सेवा हो रही है, और अच्छी तेज़ी से गौ सेवा होगी, और हम सब एक इससे गौ माता का आशीर्वाद लेके, मुझे लगता है कि प्रगति के पथ पे, एक विकास की धारा में हम सब जुड़ेंगे, एक उन्नति के पथ पे जुड़ेंगे, क्योंकि इनका आशीर्वाद एक मतलब एक तरह से ईश्वर का संपूर्ण आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।